बीते बुधवार को आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर हमला हुआ। गोली कुछ इंच से छूते हुए निकल गई, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच अब एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। वो बात ये कि कार से हमला करने पहुंचे शूटरों ने पहले तो गोली चलाई, उसके बाद जाति सूचक गालियां देते हुए भाग निकले। जी हाँ, जिस बात को लगातार चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों द्वारा कहा जा रहा था, अब FIR में भी उस बात का जिक्र सामने आया है। बता दें कि चंद्रशेखर आजाद पर हमला करने के मामले में पुलिस ने जो FIR दर्ज की है, उसमें SC ST एक्ट के साथ धारा 307, 506 और 120B के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। चंद्रशेखर आजाद के साथी की तरफ से दर्ज कराई गई FIR में लिखा गया कि मैं मनीष निवासी गांव चमारी बेड़ा छुटमुलपुर जिला सहारनपुर निवेदन करता हूं कि दिनांक 28 जून 2023 को करीब 4:45 पर मैं भाई चंद्रशेखर आजाद, डॉक्टर ब्रजपाल और अपने अन्य साथियों के साथ कार में सवार होकर एक 13वीं में शामिल होने के बाद वापस अपने घर छुटमुलपुर लौट रहे थे। तभी स्विफ्ट डिजायर कार में सवार कुछ अज्ञात लोगों ने देवबंद कचहरी के आगे सहारनपुर की तरफ से रोड पर षड्यंत्र के तहत हमें जान से मारने की नीयत से हमारी कार पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिसमें गोली लगने से चंद्रशेखर आजाद व डॉक्टर बिजलाल बुरी तरीके से घायल हो गए। हमलावर गोलियां मारकर भाग गए और जाते हुए जोर जोर से जाति सूचक गालियां देते हुए कह रहे थे कि तुझको हम बनाएंगे नेता। घायल होने की वजह से भाई चंद्रशेखर आजाद की हालत गंभीर है। पहले भी कई बार चंद्रशेखर आजाद को जान से मारने की धमकियां दी गई हैं और उनके काफिले पर हमला भी किया गया, जिसके संबंध में पुलिस से शिकायत भी की गई। हम लगातार चंद्रशेखर आजाद के लिए पुलिस सुरक्षा की मांग भी करते रहे हैं, परंतु पुलिस ने आज तक कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की है और न ही दोषियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई की, जिसके कारण हमलावर भयमुक्त होकर लगातार हमला कर रहे हैं और भाई चंद्रशेखर आजाद को जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। अतः आपसे निवेदन है कि रिपोर्ट दर्ज करके दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और चंद्रशेखर आजाद को पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए और कम से कम 2 आर्म्स लाइसेंस आत्म सुरक्षा के लिए प्रदान किए जाए। बहरहाल इस हमले के बाद एक बार फिर यूपी में कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं पुलिस के द्वारा हमला करने में प्रयोग की गई कार को अब कब्जे में लिया जा चुका है, साथ ही 4 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। ऐसे में जहां भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी की तरफ से गुरुवार को सभी जिलों में ज्ञापन सौंपने की बात कही गई है, तो वहीं अब ये देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ खुलासे निकलकर सामने आते हैं। सहारनपुर से अनिल भारद्वाज की रिपोर्ट, यूपी तक।